परम शांति बाबूजी, आपका स्वागत है। आज जो मेरा क्वेश्चन है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वैसे तो आपका एक हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था आपके जीवन की बायोग्राफी के ऊपर, उसमें अंदर आपके पूरे जीवन की स्टोरी थी। ये वीडियो बनाने का कारण ये है, फिर से लोगों को कि आज समय के हिसाब से थोड़ा सा नया अपडेट दे और बापूजी आपके जीवन के लक्ष्य को हम शॉर्टकट में दुनिया तक पहुंचाए। आप बताइए बापूजी। देखो, पहले बता दूं कि मैं आई एम द सन ऑफ द पुअर फार्मर, गरीब परिवार में, किसान परिवार में जन्म हुआ। इसके कारण गरीबी के कारण बहुत दुख दर्द देखे चारों ओर। SSC तक गांव में पढ़ा तो वहां बहुत दुख दर्द, ऊंच नीच, धर्म जात, ये सब देखा मैंने। फिर बाद में मैं हमेशा ही सोचता रहा कि ये सब दुख दर्दों का कारण क्या है। मैं मतलब अंत में था मेरे को कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, फिर अंत में हिमालय में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा और ऊपर वाले की चोटी बना पकड़ूंगा, ऊपर वाले की चोटी पकड़ूंगा और चोटी पकड़ के पूछूंगा कि क्या तू दुनिया अच्छी नहीं बना सकता। ये बचपन से मेरे संकल्प चले। ऐसे दुख दर्द भगवान ने क्यों बनाए, जो आज सबके, ज्यादातर सबके चलते होंगे, सही मेरे बात भी बचपन के चलते थे। तो मेरा तो ये जीवन का लक्ष्य था कि ऊपर वाले की चोटी पकड़ के पूछना, क्या तू अच्छी दुनिया नहीं बना सकता, ये मृत्यु लोग की बजाय अमर लोग नहीं बना सकता। सही है। तो मगर क्या है कि मैं हमेशा ये दुख दर्द का बहुत अनुभव किया, गहरा अनुभव किया, गरीबी बहुत थी। फिर कॉलेज में आया, फिर इंटर CA का 4 ग्रुप का पेपर पास किया, लॉ किया, इनकम टैक्स लॉयर बना, इनकम टैक्स के रेड केस करता था। तो उसी के दौरान भी मैंने बहुत करोड़पतियों को भी देखा। हम पहले तो गाँव में थे तो हम सोचते थे कि हर पैसे वाले बहुत सुखी होंगे। तो अभी ये जब इनकम टैक्स की रेड केस में देखता था तो वहां कई लोग रेड केस के दौरान ही मतलब एकदम बेभान हो जाते थे, मतलब मूर्छित हो जाते थे। तो मैंने देखा ये पैसा भी काम में नहीं आ रहा, तो पैसा तो लोग मोते हैं, यहीं स्वर्ग गए, पैसे वाले स्वर्ग में जीते हैं। तो मैंने बोला यहाँ तो इनकम टैक्स में जब रेड होती है तो उसकी तो हवा निकल जाती है, तो बेहोश आ जाते हैं, इंसेंटिव केयर में दाखिल करना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला ये धन की वैल्यू क्या है। अंत में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ये जो पैसे वाले, बहुत पैसे वाले हैं, जो मतलब आसुरी लक्ष्मी मैं उसको कहता कि जो अलग मतलब गलत तरीके से जो धन कमाया जाता है, इसको भक्तिवाद में आसुरी लक्ष्मी कहते हैं, और दैवी लक्ष्मी जो अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से कमाते हैं, उसको दैवी लक्ष्मी कहते हैं। तो मैं हमेशा ये सब देखा और फिर मुझे था कि मैं दुनिया तो कुछ ना कुछ बदल ही दूंगा, बदल ही दूंगा। ऐसे बचपन से होता था मेरे को, मैं दुनिया को, ये दुख दर्द ना हो ऐसी दुनिया बनाऊंगा। मेरा अंदर से तो लक्ष्य यही था कि दुख दर्द ना हो ऐसी दुनिया बनाऊं, कभी भी कोई दुखी ना हो, कोई ऐसा मन होता था। तो ये फिर इनकम टैक्स लॉ में एक साधारण इंसान की तरह, एक लॉयर की तरह मैंने जिंदगी बिताई। उसमें भी आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स लॉयर, उसमें भी रेड केस करने वाला, बाबूजी तो फंसते थे ना। तो मतलब ये मेरे मन में आध्यात्मिक की ओर क्यों चला, उसका थोड़ा आपको जिगर बताता हूँ। जी, इसलिए बताता हूँ कि मन में ये बताया कि ये तो चाहे पैसे वाला चाहे गरीब हो, सब दुखी दुखी है ना। सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि अब सुख का रास्ता क्या है। तो बचपन से तो गीता, रामायण, महाभारत पढ़ता था। अब उनको दुनिया मुझे बदलनी है, दुनिया मुझे बदलनी है, दुनिया मुझे बदलनी है। जब शाम होता था, रात होता था, तो मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही था कि मेरे ये दुख दर्द से भरी दुनिया बदलनी है, बदलनी है, बदलनी है। तो कैसे बदला जाए उसका ज्ञान नहीं था। उस ज्ञान के लिए मैं बहुत मेहनत करता, जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं साधु संतों को मिलता कि आपने भगवान को देखा है, तो ये पूछते भगवान तो किसी ने नहीं देखा, वो तो कहता है निराकार है। बचपन से ही मेरा एक टीचर था, उसका स्कूल में, प्राइमरी हाई स्कूल में एक ब्राह्मी था, वो गीता पर क्लास कराते थे, तो निराकार साकार पे क्लास होती थी, मतलब लोगों को कराते थे पूरे हाई स्कूल में। तो निराकार साकार ये द्वंद्व चलता रहता था, क्या निराकार साकार में आता है, निराकार साकार में आता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे गहराई में गया। मैं 85 के 86 के बाद मैं ब्रह्मा कुमारी में गया, तो बोले भगवान धरती पर आ गया है, तो मैं बहुत खुश हो गया। चलो अब तो मुझे मिलेगा तो मैं बोलूंगा तो अच्छी दुनिया बना दो, मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो नहीं बना सकता मगर भगवान को तो कहूंगा ना भाई कि अच्छी दुनिया बनाओ तुम। तो वहां गया तो वहां थोड़ा अच्छी था, बीकेएम के संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य अच्छा लगा। निराकार शिव, ब्रह्मांड का मालिक निराकार शिव को मैं बहुत योग लगाता था, मगर ये ढूंढता रहा कि मुझे तो विनाश नहीं चाहिए। मैं क्या हमेशा ये हर जगह जाऊं विनाश विनाश, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते बस अब विनाश हो जाएगा, विनाश के बाद नहीं दुनिया। हमेशा शास्त्र भी मैं पढ़ने लगा, बहुत शास्त्र तो पहले से भी पढ़ता था, मगर फिर मैंने वेद उपनिषद पढ़ने लगा, फिर पुराण पढ़े,
तो हमेशा सभी शास्त्रों में एक ही है, चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय। तो मैं होता था ये प्रलय 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 बस, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर प्रलय। तो ये सब प्रलय को परिवर्तन मतलब नहीं हो सकता। तो मैं बहुत 97 में फिर मैंने चैनपुर अहमदाबाद के अंदर आश्रम बनाया कि इन पर जो बड़े बड़े हाई क्वालिटी आत्माएं ज्ञान का मैं देता था तो उसमें बहुत मंथन करता था। मगर वो सबसे पहले तो विनाश का लक्ष्य तो मेरे से दूर हटा नहीं, विनाश विनाश विनाश, क्योंकि मन में भरा था। क्योंकि मैं जो ब्रह्मा कुमारी में लिया तो बहुत अच्छी तरह भर गया था, विनाश होना है विनाश होना है विनाश होना है बस, और विनाश के बाद नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। अब ये विनाश का कंसेप्ट मन करता था मैं उसको कैसे बदलू। अब जारे सारे वेद उपनिषद पुराण पढ़ो तो अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय महाकल प्रलय महाकाल प्रलय, बस इससे आगे ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, महाब्रह्मांड महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभाल लेता है। तो इससे आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। महाशिव महाशिव तो डिफरेंस समझा, आगे फिर यूनिवर्स समझा, परमाशिव समझा, बहुत मेहनत की। 2010 तक मेरे को कंसेप्ट किया था, मगर मैंने 2010 में किसी भी तरह एक कंसेप्ट किया था कि मैं किसी भी तरह विनाश नहीं चाहता, मैं परिवर्तन चाहता हूँ, और परिवर्तन पॉजिटिवली हो, तत्व परिवर्तन हो। इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं बहुत मेहनत के बाद आत्मस्वरूप में स्थित होकर बहुत मेहनत करता था, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऊंचे देव उच्च परम धाम में जाकर वो विचार सागर मंथन करता था, बहुत मेहनत करता था दिन रात कि मुझे विनाश नहीं चाहिए परिवर्तन चाहिए, विनाश नहीं परिवर्तन, और वो भी ऐसा परिवर्तन हो किसी को दुख दर्द न मिले, ऐसे ही मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाए, जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है उनकी मुक्ति हो जाए, और जो हाई क्वालिटी की आत्मा है इनको जीवन मुक्ति बोले, और पूरा मल्टीवर्स बदलाए। बाद में तो दिनों धीरे धीरे ज्ञान की गहराई में गया, पहले तो यूनिवर्स तक का ज्ञान था बाद में, मगर मैं जब 97 में आश्रम में ज्ञान देता था लोगों को तो लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाते थे कि तू तो ये फालतू ऐसी ऊपर का हवाई ज्ञान देता है, मुझे कहते थे तू हवाई ज्ञान, ऊपर के लोगों का ज्ञान देता था ना, ब्रह्मांड के ऊपर के लोगों का, मतलब बहुत ऊपर का लोगों का, यूनिवर्स का अंदर कई, मैं उसी टाइम तो डर के बारे 10,000 गैलेक्सी ही बोलता था। बिल्कुल बहुत कम, मैंने मतलब थोड़ा सोचो तो सब मेरे पास बहुत आए, बहुत भाग गए, भाग गए तो बोले ये तो हवाई ज्ञान है, हवाई ज्ञान है। बाबू जी साइंस डेवलप नहीं हुआ था उस समय, किसी को पता ही नहीं कि गैलेक्सी से बाहर की दुनिया है, लोगों को पृथ्वी के बाहर के जीवन नहीं पता, एक्सट्राटेरेस्ट्रियल और यूएफओ को तो कोई जानता भी नहीं था उस समय में। मगर जब मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता तो मुझे ऊपर की दुनिया दिखती थी, मैं जब आत्मस्वरूप में एकदम स्थित हो जाऊं तो मुझे ऊपर की दुनिया दिखती थी, ऊपर के लोग, मगर उसको समझ नहीं, क्योंकि ऊपर का ज्ञान, यहाँ का ऊपर कुछ भी नहीं है और वहां का यहाँ कुछ नहीं है, वहां परम तत्वों की दुनिया, परम लाइफ की दुनिया है, और वहां पे वो जो दूसरे मल्टीवर्स मैंने देखे तो वो तो कभी भी नाश नहीं हुए, जब से भी सर्जन हुए हैं, बेहिसाब समय से सर्जन हुए हैं, तब से कभी उसका विनाश ही नहीं हुआ कभी। मतलब वहां पर महाकाल प्रलय होता ही नहीं है ना, ना अर्ध प्रलय प्रलय एक प्रलय शब्द ही नहीं है, वहां तो समय नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है टाइमलेस वर्ल्ड, वीडियो बनाई है टाइमलेस वर्ल्ड, उसमें अलग अलग मतलब वहां परम तत्व की दुनिया इतनी है, फर्स्ट क्लास दुनिया है, इससे ऊपर 100 कला से ऊपर 200 कला 300 कला 1000 कला के ब्रह्मांड 2000 कला के ब्रह्मांड ऊपर मैंने दिया हुआ है। तो आप देखिए सुनिए तो बहुत मैं, मगर बीच में ये ऑफिस का कार्य के कारण मेरा कार्य बहुत कम होता था, क्योंकि ऑफिस के कार्य में बहुत बड़ा मेहनत होती थी, ऑफिस में बहुत स्ट्रगलिंग होता था और बहुत बड़ा हार्ड कार्य था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इन एड्स कार्य को साइड में करके एक लक्ष्य साधा। 2013 से मैंने अपने आप को एक ही लक्ष्य में, मुझे पूरा ऊपर का नॉलेज कंप्लीट करना है और फिर इस नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने, मेरा लक्ष्य तो हमेशा पहले थोड़ा यूनिवर्स बदलने का होता था, फिर धीरे धीरे ग्रेट यूनिवर्स देखा, ग्रेट से आगे मल्टीवर्स देखा, फिर मल्टीवर्स से आगे और ग्रेट मल्टीवर्स देखा, फिर ऊपर की दुनिया देखता गया, आत्मस्वरूप में स्थित होता था ऊपर के लोग दिखाई देते थे तो मैं कंफ्यूज होता, समझ नहीं पाता था मैं लोगों को क्या समझाऊं, क्योंकि वो तो लोग हवाई ज्ञान करके, मेरे पास तो आते तो बहुत थे मगर जो आते थे वो ज्ञान समझ में नहीं आता, चले जाते थे, कोई बसते ही नहीं थे। और बाबू जी उस समय कारण ये भी था कि साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी, जैसे एंशेंट एलियन जैसे टीवी में जो चीज़ें बताई कि इतने प्रूफ मिले हैं कि यूएफओस आते थे, एलियंस आते थे इस धरती लोग को, मतलब धरती में से इतने प्रूफ मिले हैं कि पहले तो यही माना जाता है कि भाई धरती 5,000 साल पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे प्रूफ मिलते गए और एज की मतलब स्टोन की एज निकाली गई और इतने सारे साइंस ने डेवलप किया, तब पता चला कि हो करोड़ों साल पुरानी है पृथ्वी
पृथ्वी और यहाँ तो लाखों साल से जीवन है, करोड़ों साल से जीवन है, ये प्रूफ होने लगा साइंस के माध्यम से। और धीरे 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 लोगों की बुद्धि खुलने लगी और साइंस के माध्यम से जो है पता चलने लगा कि यूनिवर्स इतना बड़ा है। और यूएफओ के बारे में पता चला कि 6000 यूएफओ हर साल अमरीका में आते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें जो दुनिया ढूंढ रही है वो आपने ज्ञान देना शुरू किया, तो लोग आपको सुनने लगे, पसंद करने लगे आपकी बातें और आपको फॉलो करने लगे। अभी तो बहुत कम फिर भी सुनते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है ना। नहीं बाबूजी, जो इंटेलिजेंट लेवल की आत्मा, मतलब हाई क्वालिटी, जो बेहद, जिनको बेहद की आत्मा कहते हैं, जी जी जी, तो बेहद की आत्मा ही हमारा ज्ञान सुनेगी। आम आत्माओं के लिए हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, और जो बेहद की आत्माएं मिलेगी, और वैसे भी जो रोटी कपड़ा मकान में फंसी हुई आत्मा है उसके पास टाइम ही कहाँ है कि वो ऊपर की दुनिया के बारे में या अपने बारे में भी जाने कि मैं कौन हूँ, मेरा सोर्स क्या है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जी, तो मेरा जीवन का लक्ष्य तो धीरे धीरे फिर व्याप बढ़ता गया उसका। मैं तो ये दुनिया को ऐसी दुनिया बनाना चाहता था, तो फिर और दुनिया बड़ी 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 दिखने लगी, तो फिर व्याप बढ़ता गया, उनको भी बदलू, उनको भी बदलू, उसको भी बदलू। क्योंकि क्या तो एक गैलेक्सी, एक ब्रह्मांड नहीं बदल सकता, एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, केवल एक ब्रह्मांड नहीं बदला जाता, या तो गैलेक्सी महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी एक नहीं बदली जाती, या तो एक यूनिवर्स नहीं बदला जाता, या तो बदलना है पूरा मल्टीवर्स बदला। तो फिर धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स बदलने का ज्ञान मैंने उतारा धरती पर, अपने बेहद के बच्चों को समझाया, थोड़े कुछ समझे, थोड़े कुछ नहीं समझे, नहीं समझे वो भाग गए, थोड़े कुछ समझे वो सहयोग दे रहे। तो अभी भी हमारा तो लक्ष्य है पूरे मल्टीवर्स को परम तत्वों में परिवर्तन करना और अविनाशी मल्टीवर्स बनाना, जिसका कभी भी विनाश ना हो, कहीं भी मृत्यु लोक ना, जितने भी सोलर सिस्टम है हर जगह मृत्यु लोक है ही। तो ये धरती लोक के जो आत्मा है जो मृत्यु लोक में फंस चुकी है, जीवन मृत्यु में फंस चुकी है, उन आत्माओं को परम ज्ञान देके बेहद की दुनिया में लेके जाना, मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। जो एकदम कमजोर के लिए जो मल्टीवर्स बनेगा हाई क्वालिटी का बनेगा ना, परम तत्वों की हाई क्वालिटी होगी, कम से कम 5% परम तत्वों की क्वालिटी होगी, 5 कला का परम लाइफ की क्वालिटी के परम तत्व होंगे, तो उसमें जो एकदम हल्की क्वालिटी की आत्माएं तो मुक्त हो जाएंगी, बाकी हाई क्वालिटी आत्माएं वो जीवन मुक्ति पाएगी और हमेशा जीवन मुक्ति, बेहद की अविनाशी जीवन मुक्ति होगी। बाबूजी मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, कल किसी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि सूक्ष्म दुनिया वाले लोग जो है धरती पे आना नहीं चाहते, तो मैंने उनको बोला कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब जन लोग, महान लोग, तप लोग, जो स्वर्ग लोग से ऊपर जो आत्माएं रहती है, जिनको स्वर्ग के सुख का भी भोग का जो मोह नहीं है, वो आत्मा जब धरती लोक पे देखने ही नहीं आती तो वो क्यों चाहेगी कि धरती लोक की आत्मा ऊपर आए और ऊपर की आत्माएं नीचे जाए, क्योंकि वो तो पहले ही परम आनंद में बैठी है, जो हमारे परम धाम में बैठी है वो तो नीचे देखेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी परम शांति की अवस्था में है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम क्यों हैं यहाँ पे और हम कैसे वहाँ वापस जाए, मगर अभी क्योंकि तो वो ज्ञान देने के लिए कोई आता ही नहीं इस धरती लोक पे, कोई बोलने को तैयार नहीं है सच क्या है, सूक्ष्म दुनिया में जीवन है ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। मगर अभी तो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है ना, जी पहले एक प्रकाश वर्ष का बना था और ये सब 7 लोक थे ना, भूलोक, भूभूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, जी वहां चारों और सोलर सिस्टम की, हमारा जो सूर्य है इसकी चारों और 1.6 प्रकाश वर्ष तक चारों ओर दूर की दुनिया से आई हुई आत्माएं आकारी रूप में सब छोटे छोटे लेयरों में बैठी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। इसलिए ये सभी धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो धरती पर आए हैं वो सभी, इसलिए सभी जितने मैसेंजर आए सभी ने कहा कि क्यामत का दिन का समय भी दिया हुआ है। तो सभी समय समय बहुत लंबा, जैसे क्रिश्चियनों में भी बताया था जजमेंट डे के बारे में, लेकिन उनको भी 2000 साल हो गए, ये मोहम्मद साहब ने भी दिया था ये कयामत का दिन, उसका भी जो टाइम दिया था उससे भी ऊपर हो गया, और हमारे कलयुग में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है, कलयुग में 4,28,000 साल बाकी। जी जी, तो अब तो पता ही है सबको कि दुनिया इतनी लंबी नहीं चल सकती, तो खैर जाना है सबको, ये तो सबने पहले ही बता दिया कि हम जाएंगे, कोई घोड़े पे जाएगा, कोई गधे पे जाएगा, सबके अलग अलग वो भी बता दिए, पर यह है कि आत्मा को जब तक वो ज्ञान नहीं होगा, आत्मा स्वरूप नहीं बन पाएगी, रियल उसकी फॉर्म में नहीं पहुंचेगी, तब तक वो दूसरे डायमेंशन में कैसे जाएगी, दूसरे यूनिवर्स जैसे आपने बताया परम तत्व के है, तो वो परम तत्व में कैसे जाएगी जब वो नॉर्मल तत्वों से बनी हुई आत्मा है। देखो आत्माओं को जब स्वयं को पहचान नहीं है, खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कहां से जानेंगे। जी जी, स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो और ऑलमाइटी को जानो,
बस यही कहता हूँ और यही ज्ञान दुनिया में फैला है, चारों दुनिया में ज्ञान, एक समय आएगा वायुमंडल में ज्ञान 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 हो जाएगा। सही। तो थूल जगत वाली आत्माएं से कई हजार गुनी सूक्ष्म जगत में आत्माएं बैठी हैं जी, वो आत्माएं भी दुखी हैं जैसे मनुष्य दुखी हैं, बिल्कुल ऐसे सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जैसे भूत प्रेत पिशाच या अच्छी आत्माएं भी एलियंस अच्छे एलियंस भी हैं, तो आए धरती पर वो भी मगर फंसे पड़े हैं बेचारे, सब फंसे। देखो बाबूजी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, जब हमने जुलाई 2015 में यूट्यूब चैनल शुरू किया, थोड़ा थोड़ा अपलोड करना शुरू किया वीडियो, उस समय हमारा पर डे जो है 5,000 या 10,000 मिनट भी लोग नहीं सुनते थे ज्ञान, लेकिन अब इतने हाई लेवल पे पहुंच चुका है कि पर डे 1.5 से 2 लाख मिनट पर डे लोग डेढ़ से दो लाख मिनट लोग आपको सुन रहे हैं, और यही सबसे बड़ा प्रूफ है। अभी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि लोग ज्ञान मार्ग की ओर जाएंगे, सभी देखेंगे ना, भक्ति में तो कोई पावर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति तो बहुत बढ़ गई है ना, धर्म स्थान तो बहुत बढ़ गए, भक्ति भी बहुत बढ़ गई, बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम तो कहते हैं भक्ति में शक्ति नहीं है, तो ज्ञान आत्म स्वरूप में और ऑलमाइटी को जानना मानना, तो सब आएंगे, अब समय आ रहा है जी, बहुत जल्दी समय आएगा, लोग लाखों नहीं करोड़ों लोग देखेंगे हमारी चैनल को और रोज कई वीडियो पूरा दिन बिताएंगे, दिन रात वीडियो देखेंगे जिस समय, क्योंकि अंतिम समय में समय नहीं होगा, परिवर्तन का जब समय स्टार्ट हो जाएगा जी, जी। परिवर्तन तो होना ही है, बेहद की आत्माएं थोड़ी कुछ भी, मैं तो 108 को ही हमेशा ढूंढ रहा हूँ, 108 मिल जाए तो उनका 100 परिवर्तन से 200 परिवर्तन करा लो, और अभी 108 में जब पूरी मिल जाएगी तो 108 100 परिवर्तन से 200 परिवर्तन करा लेंगे। तो बाबूजी मैं अभी ये इस वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूं और सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि बाबूजी ने जो अमूल्य ज्ञान दिया है, बाबूजी के जो 600-700 से ज़्यादा वीडियोस है इस चैनल पे, तो सबसे पहले आप अनस्पोकन ट्रूथ बाय बाबूजी का प्लेलिस्ट देखिए, इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगी, डेस्कटॉप पर ही आपको दिखेगा इस वीडियो के एंड पर ही। इसके बाद फॉर द बिगिनर्स करके जो पहली बार देखते हैं उनके लिए भी है इंटरव्यू विद बापूजी के, तो ये जो 3 प्लेलिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबन 300 से ज़्यादा वीडियोस इन प्लेलिस्ट में है, और वहीं से अपने पूरी जर्नी शुरू करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे भाइयों बहन जो सेवा दे रहे हैं उनके मोबाइल नंबर हैं, उनका टाइम देख के आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि पूरी विश्व बदलने का ज्ञान जो है दुनिया तक पहुंचे। बापू जी आपका बहुत धन्यवाद, परम शांति। परम शांति।